हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब तक हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, टेस्टिस कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ओवरी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है। हम पढ़ चुके हैं कि ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फोलिकल्स कैसे बनते हैं, उनसे प्राइमरी फोलिकल्स, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल्स और मैच्योर फोलिकल्स यानी कि ग्राफिन फोलिकल कैसे बनते हैं। फिर ग्राफिन फोलिकल्स से एग यानी कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है, कॉर्पस लूटियम से प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये चीजें हमने अब तक पढ़ी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बेटा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे कहता हूं कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। वेरी वेरी आईएमपी इम्पोर्टेंट है बेटा ये टॉपिक्स, तो इसको ध्यान से बेटा समझना है। कई स्टूडेंट्स की कहते कि सर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये टॉपिक थोड़ा कम समझ में आता है। तो बेटा अटेंटिंग होकर के क्लास को पढ़ो ध्यान से, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट बचेगी बेटा। ओके, अच्छी तरीके से समझ में आएगा टॉपिक, लेकिन बेटा एक बार समझना है आपको। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओके बेटा, तो आज के टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डे फीमेल के अंदर कितने दिन तक चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकरेंस किन किन ऑर्गन में पाई जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इस साइकिल ये साइकिल कितनी फेजेज में कंप्लीट होती है, मीनार्च किसे कहते हैं और मीनोपॉज किसे कहते हैं। ओके बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है। ओके बेटा, तो डेफिनेशन पे आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें पढ़ना है कि ह्यूमन फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ओके बेटा, उन्हीं साइक्लिक चेंजेस को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मंथली ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर। ओके बेटा, हाँ जी। तो ऑल साइक्लिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन फीमेल्स आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर इसके हम पढ़ेंगे इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन के लिए चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है बेटा 28 दिन तक, 28 डेज तक चलती है। इन 28 दिन में, 28 डेज में उस ह्यूमन फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनमें यूट्रस में क्या चेंज आते हैं, ओवरी के अंदर क्या चेंज आते हैं, वो हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है ओकरेंस की, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। ये मैमल्स में पाई जाती है। कौन से मैमल में पाई जाती है, प्राइमेट मैमल्स में। ओकरेंस में लिखना है हमें ये पाई जाती है प्राइमेट मैमल्स में, प्राइमेट मैमल्स में, प्राइमेट मैमल्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सर प्राइमेट मैमल्स में कौन कौन से मैमल्स आते हैं। प्राइमेट मैमल्स में आते हैं ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल, मंकी, एप्स। ये आते बेटा प्राइमेट मैमल्स में। फिर क्या होगा सर, जो इन ऑर्गन में नहीं आ रहे अदर मैमल्स है, जैसे काउ है, फीमेल डॉग है, बफेलो है, गोट है, फिर क्या इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। बेटा इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस नहीं करती, इनके अंदर ओस्टस साइकिल टेक्स प्लेस करती है, उनमें मंथली ब्लीडिंग नहीं होती। अच्छा बेटा, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया 28 डेज। ओके बेटा, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो इस साइकिल के दौरान फोर हार्मोन्स पढ़ेंगे हम, फोर टाइप्स के हार्मोन्स। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सेकंड है ओस्ट्रोजन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन, थर्ड LH हार्मोन लुटनाइजिंग हार्मोन, और फोर्थ है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। पूरी साइकिल्स इन हार्मोन्स पे बेस्ड है बेटा,
ओके मतलब ये हार्मोन्स का रिसोर्सेज क्या है, इन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस है, ये हमें पढ़ना है आज की क्लास में। अच्छा बेटा, फेजेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी फेजेज में कंप्लीट होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेज में कंप्लीट हो रही है। कौन कौन सी 4 फेजेज में कंप्लीट हो रही है? यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट फेज है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज है। जो सेकंड जो फेज है बेटा उसका नाम है फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज है। थर्ड जो फेज है उसका नाम है ओव्यूलेटरी फेज है। फोर्थ जो फेज है बेटा ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज है। देखो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंप्लीट हो रही है 4 फेज में। कौन कौन सी 4 फेज में हो रही है? फर्स्ट फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इसका अनुदर नाम क्या है? ब्लीडिंग फेज है। सेकंड जो फेज है उसका क्या नाम है? सेकंड जो फेज है उसका नाम है फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड जो फेज उसका क्या नाम है? ओव्यूलेटरी फेज। फोर्थ जो फेज है उसका क्या नाम है? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ओके अच्छा, इनमें इन फेजों का नाम ऐसे क्यों दिया हुआ है वो अभी पढ़ते हैं हम। अच्छा बेटा, इसके बाद यहाँ पे दो टॉपिक दिए हुए हैं, मिनार्च और मेनोपॉज। कहते हैं कोई फीमेल है, उस फीमेल जैसे वो प्यूबर्टी एज में एंटर करती है, कोई फीमेल है उसकी एज 11 या 13 इयर्स के बीच में होती है, तो उसमें गर्ल्स के अंदर फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग टेक्स प्लेस करती है, उसी को बोलते हैं मिनार्च कहते हैं। और जब कोई वुमेन है 50 इयर्स या 55 इयर्स की होती है तो उस वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ओके बेटा, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमें यही टॉपिक पे फोकस करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते किसे हैं। वुमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ साइकिलिक चेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक होती है? 28 डेज तक होती है। अच्छा बेटा, जो 28 डेज है तो 28 डेज की हमें काउंटिंग पढ़नी है कि जो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज है ये कितने दिन तक होती है। तो बेटा ये इसका टाइमिंग है 3 से 5 दिन का, 3 से 5 डेज का एवरेज टाइम इसका 4 डेज का है। इस फेज के दौरान क्या होता है बेटा? जैसे इसका नाम से पता चल रहा है ब्लीडिंग फेज, मतलब इस फेज में वुमन फीमेल से वजाइना के थ्रू ब्लड बाहर रिलीज होता है। कितना ब्लड रिलीज होता है? अबाउट 35 ml से। कितना ब्लड रिलीज होता है? अबाउट 35 ml से 50 ml इतना ब्लड रिलीज होता है वुमन फीमेल से 3 से 5 दिन के दौरान। ओके बेटा, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इतना ब्लड रिलीज हो रहा है। ओके, अब किसी फीमेल में पता कैसे चले कि मतलब मान लो कोई फीमेल है, ओके फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम आ रही है ब्लीडिंग या ज्यादा चल रही है, ओके तो डॉक्टर्स जो फीमेल डॉक्टर्स है वो उनसे कंसर्न करते हैं कि कितना ब्लड रिलीज हो रहा है, तो क्या बताए? नो आइडिया। ओके, तो वो कहेंगे, पूछते हैं कि दिन में आप पैड कितने चेंज करते हो। ओके, जनरली एक फीमेल है जो पैड चेंज करते हैं तो उसमें 7 ml या 10 ml तक ही कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके बाद उनको पैड चेंज करना पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि जी दिन में करीबन 5 times पैड चेंज करने पड़ रहे हैं। ओके बेटा, तो 5 times भी चेंज कर रहे हैं दिन में, तो बेटा एक ही दिन में करीबन 35 ml ब्लड रिलीज हो रहा है। ओके, जबकि टोटल सम होना चाहिए 35 ml या 50 ml 3 से 5 दिन का, लेकिन एक ही दिन में इतने एमएल ब्लड रिलीज हो रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ओके बेटा, अब ये प्रॉब्लम कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से, कुछ हार्मोनल है अमाउंट में ज्यादा बन जाए, कम हो जाए, कुछ न्यूट्रिशन क्वांटिटी की वजह से होते हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। किसी किसी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 डेज ना करे, थोड़ा अर्ली भी आ जाती है। अर्ली कहने का मतलब ये है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले भी आ जाती है या थोड़ा लेट भी हो जाती है। 28 डेज के 35 डेज तक भी चलने लग जाती है। तो बेटा ये कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, खान पान हो गया है हमारा इस टाइप का, या जो इन्वायरमेंट है या हार्मोनल चेंज है उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड 40 डेज तक चला जाए तो बेटा फिर फीमेल डॉक्टर से कंसर्न करो।
ओके बेटा। अच्छा जी, अब इस तो है, इसके बाद जो सेकंड जो फेज है उसका नाम है फोलिकुलर फेज या प्रोलीफरेटिव फेज है। नाम से पता चल रहा है ओवरी है, ओवरी के अंदर जो फोलिकल्स थे, एफएसएच हार्मोन आया, एफएसएच हार्मोन ने फोलिकल की साइज को ग्रो कराया। अब फोलिकल का साइज ग्रो होता प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल से टर्सरी फोलिकल और मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब ग्राफियन फोलिकल बन गया। कहने का मतलब ये फोलिकुलर फेज, मतलब इसमें फोलिकल्स की ग्रोथ होती है। ओके, इसलिए इसका नाम है फोलिकुलर फेज है। अच्छा बेटा, इसके बाद है ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज है, नाम से पता चल रहा है इस फेज में ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस करता है। और लास्ट क्लास में मैं बता ही चुका हूं कि ओव्यूलेशन कहते किसे है, वुमन फीमेल की जो ओवरी है यानी कि ग्राफियन फोलिकल्स है उससे एग यानी सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन 14th डेज होता है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इसका मिडल पीरियड यानी हाफ जो 14th डेज होता है, यानी कि एक ही दिन होता है एग रिलीज। ओके बेटा, इसके बाद है ल्यूटल फेज या सिक्रेटरी फेज। ल्यूटल फेज या सिक्रेटरी फेज है ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फोलिकल डीजनरेट हो जाता है और ग्राफियन फोलिकल चेंज हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है इसलिए इस फेज का नाम क्या है, ल्यूटियल फेज है। और वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसलिए इसका नाम सिक्रेटरी फेज है। अच्छा बेटा, तो मेंस्ट्रुअल फेज है इसका एवरेज टाइमिंग कितना है ब्लीडिंग फेज का, 4 डेज है। ओके, फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव है 9 डेज है, ओव्यूलेटरी फेज है 1 डेज है, ल्यूटल फेज है 14 डेज है। जब इनका सम करेंगे तो आएगा 28 डेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज, कितने दिन के लिए चलती है, 28 दिन के लिए चलती है। देखो बेटा, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ह्यूमन फीमेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है बेटा। अगर ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस ना करे तो जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, नई जो लाइफ है, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो रुक जाएगा बेटा। ओके, कहते हैं हमारी जो अर्थ है, अर्थ को धरती है, इसको धरती माता कह के बुलाते हैं, धरती पिता कह के नहीं बुलाते, क्योंकि बेटा वो धरती है, इससे अलग अलग चीज की उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिनेट हो रहे हैं। हालांकि पिता का भी रोल है, लेकिन जो मदर है वो फर्टाइल एग प्रोड्यूस कर रही है, उसी की वजह से ही हम अलग अलग स्पीसीज जनरेट हो रही है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर हमने इनकी फेजेस के बारे में पढ़ा, इन चीजें के बारे में पढ़ा। अब हमें देखो बेटा, समझना है कैसे क्या। देखो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर यहां से दिखाई नहीं दे रहा बेटा, देखो हम देखते हैं कि ये ओवरी बेटा। तो ओवरी के अंदर यहां पे ये फोलिकल्स होते हैं, एफएसएच हार्मोन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, पिच्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिच्यूटरी ग्लैंड के कौन सी लोब से, एंटीरियर लोब से। कौन सा हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एफएसएच हार्मोन ग्रो कराता है इन फोलिकल्स को, तो ये फोलिकल्स ग्रो करके ये चेंज हो जाते हैं मैच्योर फोलिकल्स के अंदर। इस मैच्योर फोलिकल को क्या कहते हैं, इस मैच्योर फोलिकल को कहते हैं ग्राफियन फोलिकल कहते हैं। अब ये जो ग्राफियन फोलिकल्स है, मैच्योर फोलिकल्स है, इसके अंदर होता है एग यानी कि सेकेंडरी ओसाइट, वो इससे रिलीज हो जाता है। एग या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। किस हार्मोन के कारण, एलएच हार्मोन के कारण। एफएसएच हार्मोन से क्या बना, ग्राफियन फोलिकल बना, मैच्योर फोलिकल बना। मैच्योर फोलिकल एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, ओस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अब ओस्ट्रोजन हार्मोन के कितने फंक्शन है, 2 फंक्शंस है। पहला फंक्शन तो क्या है, ये एफएसएच हार्मोन को इनहिबिट करेगा, इनएक्टिव कर देगा। ओके बेटा, सेकंड फंक्शन क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब के पास जाएगा और वहां से एलएच हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। ओके बेटा, अब जैसे एलएच हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, एलएच हार्मोन ने क्या करवा दिया, ओव्यूलेशन करा दिया। और ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो ग्राफियन फोलिकल डीजनरेट हो गया, ओके, और ये चेंज हो गया एक येलो कलर बॉडी में। इस येलो कलर बॉडी को बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कई बार ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है और ये वाइटल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकंस कहते हैं।
अब ये पूरी साइकिल समझ में आ रही बेटा। तो हमने एक चीज पता चला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टू ऑर्गन्स, दो ऑर्गन में चेंज आते हैं। कौन से दो ऑर्गन्स के अंदर चेंज आते हैं? कुछ चेंज आते हैं ओवरी के अंदर, कुछ चेंज आते हैं यूट्रस के अंदर। ओवरी और यूट्रस के अंदर, ओवरी में क्या क्या चेंज आते हैं वो मैंने अभी भी आपको बताया। ओवरी ये जो भी चीज है, अभी ये पूरी प्रोसेस ओवरी के अंदर टेक्स प्लेस कर रही थी कि ओवरी में क्या क्या चेंज आया था। एफएसएच हार्मोन आया, एफएसएच हार्मोन ने फोलिकल्स को ग्रो कराया, फोलिकल्स ग्रो करके मैच्योर हुए, मैच्योर फोलिकल में ग्राफिन फोलिकल में चेंज हुए, ग्राफिन फोलिकल ने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया उसका नाम था एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन ने एफएसएच को इनहिबिट कर दिया, एफएसएच हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीलोब से एलएच हार्मोन प्रोड्यूस करवाया, एलएच हार्मोन ने ओव्यूलेशन कराया। ओके बेटा, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या बना? कॉर्पस लूटियम बना। ये सारे चेंजेज हो रहे थे कहां? ओवरी के अंदर। अब जो चेंज होंगे वो कहां होंगे? यूट्रस के अंदर चेंज होंगे। क्या चेंज होगा? कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम हार्मोन सिक्रेट करेगा। कौन सा हार्मोन? प्रोजिस्टोन हार्मोन। अब प्रोजिस्टोन हार्मोन क्या काम करेगा? अब प्रोजिस्टोन हार्मोन क्या करेगा? यूट्रस है, यूट्रस की वाल को थिक कराएगा। ये यूट्रस है, यूट्रस की वाल में एंडोमेट्रियम है। अब इस एंडोमेट्रियम को क्या कराएगा? थिक कराएगा। ओके बेटे, इसके बाद यूट्रस की वाल है, इसको थिक कराएगा। और इसको पता है कि जो ओवरी से जब एग रिलीज होगा, ओवरी से जब एग रिलीज होगा तो वो एग कहां पहुंचेगा? एम्प्यूला में, एम्प्यूला में पहुंचेगा। और यदि ह्यूमंस का मेल गैमेट यहां पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, और फर्टिलाइज्ड एग कहां पहुंचेगा? यूट्रस के अंदर पहुंचेगा। यदि यूट्रस की वाल एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगी, थिक नहीं होगी, तो ये एम्ब्रियो बाहर रिलीज हो जाएगा टूट के, ओके, और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये अंदर वो सारी कंडीशन मेंटेन करता है जो एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो हमने देखा, हमसे पूछा जाए कि प्रोजिस्टोन हार्मोन का फंक्शन बताओ, तो हम बताएंगे प्रोजिस्टोन हार्मोन का। एक तो यूट्रस की वाल है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, थिक करता है, यूट्रस के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती है उनके साइज को इंक्रीज कराता है, और एलएच हार्मोन को इनहिबिट करता है। आपसे पेपर में पूछे कि एफएसएच हार्मोन को कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है और एलएच हार्मोन को कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है, तो आपको बताना है एफएसएच हार्मोन को इनहिबिट कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एलएच को इनहिबिट कौन करता है? प्रोजिस्टोन हार्मोन। ओके बेटा, ये प्रोजिस्टोन हार्मोन के हमने तीन फंक्शंस पढ़े। फर्स्ट फंक्शन क्या पढ़ा? जो प्रोजिस्टोन हार्मोन है ये एलएच को इनहिबिट करता है। अगर इसको इनहिबिट नहीं करेगा तो एक ही टाइम में एक से ज्यादा भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ओके बेटा, तो इसे एलएच को इनहिबिट करता है। सेकंड, यूट्रस की वाल यानी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, थिक करता है, ब्लड वेसल के साइज को इंक्रीज करता है। ये काम किसका है? प्रोजिस्टोन का है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियम जो थिक हुई थी ये झड़ जाएगी। ओके बेटा, ब्लड वेसल टूट जाएगी और जो ये एग था ये रप्चर्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब वेस्ट मटेरियल, तो यूट्रस के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, और ये वेस्ट मटेरियल है जो हम पढ़ रहे हैं ब्लीडिंग फेज, तो ये वेजाइना के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा 3 से 5 दिन तक, एवरेज टाइम है 4 डेज तक, जिसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ओके बेटा, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है। तो इस प्रोसेस से हमें पता चला कि ये ब्लीडिंग फेज है, ये लास्ट की फेज है, लेकिन हमने यहां पर फर्स्ट फेज में नोट किया, क्योंकि बेटा डॉक्टर जो काउंटिंग करते हैं ना बेटा, वो इस ब्लीडिंग फेज के बेस पे काउंटिंग करते हैं कि जो आप में जो है ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट डेज है, सेकंड डेज है, थर्ड डेज है, फोर्थ डेज है। इस बेसिस पे हमने इस फेज को फर्स्ट फेज पे लिखा है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में ये फोर्थ नंबर पे आती है फेज। तो बेटा ये हमारा जो टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, उनको बेटा ध्यान से समझना। उनमें ये पूछा गया कि एलएच सर्ज किसे बोलते हैं, तो मैंने बताया ना
13 तो 14th डेज है, 14 डेज ओव्यूलेशन होता है, तो 13 डेज एलएच की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है एलएच, तो इसी को बोलते हैं एलएच सर्ज कहते हैं। मतलब मेनस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें आपको क्या क्या चीज का ध्यान देना है बेटा, इस साइकिल में आपको ध्यान देना है कि मेनस्ट्रुअल साइकिल है इसकी डेफिनेशन क्या है, मेंस साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मेंस साइकिल में कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती है, मेंस साइकिल है इसमें हमें पढ़ना है मेनार्च क्या है, मेनोपॉज क्या है। ओके बेटा, कौन कौन से ऑर्गन में चेंजेस आते हैं, तो मैं बेटा 2 मिनट आपको रिपीट कराऊंगा, क्योंकि बेटा बार बार में रिपीट करने से, रिकॉल करने से टॉपिक याद हो जाता है, इसके बाद आप बुक में इस कंसेप्ट को जरूर पढ़ना बेटा, नहीं तो बेटा समझ में नहीं आएगा टॉपिक, तो 1 या 2 मिनट में इस टॉपिक को रिपीट कराता हूं। तो बेटा देखो ध्यान से, रिकॉल करना बहुत जरूरी है, तो रिकॉल करते हैं, मेंस साइकिल कहते किसे, ह्यूमन फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उन साइक्लिक चेंजेस को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक चलती है, 28 डेज तक चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है के दौरान कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, 4 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, क्या नाम है उन हार्मोन के, एक जो हार्मोन है उसका नाम है FSH हार्मोन, सेकंड जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन, थर्ड जो हार्मोन है उस हार्मोन का क्या नाम है, LH हार्मोन, फोर्थ जो हार्मोन है उस हार्मोन का क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। चारों हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, FSH हार्मोन है ओवरी के अंदर फोलिकल के साइज को इंक्रीज करवाता है, मतलब ग्राफिन फोलिकल की फॉर्मेशन कराता है, मैच्योर फोलिकल बनाता है, जैसे ही मैच्योर फोलिकल बन जाता है तो उस मैच्योर फोलिकल यानी ग्राफिन फोलिकल एक हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन FSH को इनहिबिट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा, थर्ड आते हैं। अब LH हार्मोन का क्या फंक्शन है, LH हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, फोर्थ ओव्यूलेशन के बाद क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन LH को इनहिबिट करेगा और यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम को थिक करेगा। ओके बेटा ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ना है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेजेस में कंप्लीट हो रही है, 4 फेजेस में कंप्लीट हो रही है, कौन कौन से 4 फेजेस में कंप्लीट हो रही है, पहले मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज है, इसके अंदर ब्लीडिंग टेक्स प्लेस करती है। ओके बेटा कितना ब्लड रिलीज होता है, 35 ml ब्लड रिलीज होता है। ओके अच्छा जी, इसके बाद सेकंड फेज कौन से, फोलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, नाम से पता चल रहा है फोलिकुलर फेज, यानी कि इस फेज के दौरान इस फेज में फोलिकल्स ग्रो करते हैं, साइज में इंक्रीज होते हैं, मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट होते हैं। ओके बेटा ओव्यूलेटरी फेज ओव्यूलेशन होता है और ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम बनता है इस फेज में। तो बेटा आया कंसेप्ट समझ में, ओके बेटा तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।